हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं एक गरबा लुक क्रिएट की हूँ जो कि है टीनेजर्स के लिए मोस्टली, मतलब टीनेजर्स के अलावा और कोई भी, हम लोग लेडीज़ लोग भी कर सकते हैं। मतलब मेनली मैंने इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहना और उस पर मैंने गरबा लुक क्रिएट किया है। सो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही कम प्रोडक्ट्स में बहुत ही सिंपल लुक मैंने क्रिएट किया है और मेरा जो मेकअप है वो स्वेट प्रूफ भी है। सो मैं बताऊँगी किस चीज़ से मैंने मेकअप किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं हुडा ब्यूटी का प्राइमर लगा रही हूँ और मैं फिंगर के ही हेल्प से, फिंगर टिप से ही इसको जल्दी से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जस्ट वीडियो फास्ट फास्ट चल रहा है तो मैं फास्ट फास्ट बोल रही हूँ, ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। सो मैं फेस को मॉइस्चराइज पहले ही कर ली थी, उसके बाद मैं इनसाइड का ये कंसीलर ले रही हूँ, आई कंसीलर है ये, और इसको मैं लगा रही हूँ। सो मैं अपने ब्रोज वाले एरिया को डिफाइन करने के लिए पहले ऐसे ब्रोज के बाउंड्री पे लगाऊंगी, उसके बाद मैं फिर आईलेट पे भी लगाऊंगी ताकि मेरा जो आई शेडो है वो थोड़ा सा पॉप आउट होके दिखे। तो मुझे थोड़े से डार्क सर्कल भी हैं तो इसलिए मैं आईज के जस्ट नीचे भी लगा रही हूँ। तो ये मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैंने हिलरी रोडा का एक पैलेट लिया है जो बहुत ही छोटा सा मिनी पैलेट है, मोबाइल जैसा इसका वो है लुक। तो इसमें से मैं अपना ब्रोज फिल कर रही हूँ डार्क ग्रे टाइप का कलर लेके, ग्रे टाइप का कलर है, इससे मैं अपने ब्रोज फिल कर रही हूँ। मैं अपने ब्रो पेंसिल से नहीं कर रही हूँ सिंस मैं टीनेजर लुक कर रही हूँ। टीनेजर्स में मोस्टली लड़कियों के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं होते, सो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं यूज़ किए हैं। तो मैं एक एंगुलर ब्रश से कर रही थी। उसके बाद मैं उसी पैलेट से एक मैं कॉम्पैक्ट से ये अपना कंसीलर ना सेट करके मैंने पैलेट से ही एक ट्रांजिशन कलर ली हूँ जो अपने स्किन कलर टाइप का है, मतलब शैम्पेन कलर और स्किन कलर के मिडल का कलर है। मीन्स स्किन कलर ही थोड़ा सा ब्राइट टाइप का है, वैसा कलर उसमें शेड दिया हुआ है, तो मैं उसको ट्रांजिशन कलर के तरह यूज़ कर रही हूँ अपने आईलेट पे, जिससे मेरा कंसीलर भी पैक हो जाएगा और मेरा जो भी मैं अपना आई शेडो लगाऊंगी वो पॉप आउट होके भी आएगा। तो मैं इसमें से देखिए ग्रीन कलर जो है, काफ़ी ऑलिव ग्रीन टाइप का वो कलर, और एक ब्राउन कलर है, दो कलर से ही मैं अपना पूरा वो करूँगी। तो मैं आउटर कॉर्नर पे ब्राउन कलर लगा रही हूँ, तो उसमें मैं वी शेप टाइप का बना रही हूँ और हाफ क्रीज तक उसको ले जाऊँगी, उतना मैं बना रही हूँ। मैं कोई कट क्रीज या इस टाइप का कुछ नहीं कर रही हूँ। सो मैं जस्ट सिंपली ये आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड करते जा रही हूँ, ऑप्ट करूँगी कलर, ब्लेंड करती जाऊँगी जब तक कि मुझे डिज़ायर्ड कलर नहीं मिल जाता। मुझे अपना जो आउटर कॉर्नर है उसको काफ़ी डेंस टाइप का, थोड़ा सा स्मोकी टाइप का लुक देना है, तो इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। और उसके बाद मैं ये ऑलिव ग्रीन कलर का इसमें मैं अपने इनर कॉर्नर से लेके मिडल तक, मतलब जस्ट उसमें ब्लेंड कर लूँगी वो कलर और ये लगाऊँगी। उसके बाद मेरा ये कलर बहुत ज़्यादा पॉप आउट नहीं हो रहा था, बहुत डार्क सा लग रहा था, ग्रीन शेड थोड़ा कम दिख रहा था। सो मैंने अपने दूसरे SRF पैलेट से मैंने लाइट ग्रीन शेड लेके थोड़ा फिंगर के टिप से लगा लिया हल्का सा, तो वो पॉप आउट होने लगा। उसके बाद मैं वाइट काजल लगा रही हूँ। मैंने एक टिशू, वेट टिशू से अपना जो भी फॉल आउट हुआ था उसको मैंने क्लीन कर लिया। अब मैं लगा रही हूँ इनसाइड का है ये आईलाइनर, तो मैं आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। सो जो मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं सारा अपना आई मेकअप जो है आईज़ स्ट्रेच करके करती हूँ, क्योंकि मेरी आईज़ की जो स्किन है थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है, हुडेड मेरी आईज़ हैं। सो मैं जब तक स्ट्रेच नहीं करती बहुत प्रॉपर मेकअप नहीं हो पाता, स्किन थोड़ी सी श्रिंक रह जाती है। सो मैं ये मोस्टली सारे वीडियोज़ में बताती हूँ कि मेरी आईज़ में ये थोड़ा ज़्यादा स्पेशल बना हुआ है। सो अब मैं काजल लगा रही हूँ, तो मैं कलर बार का काजल लगा रही हूँ। और आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स हो आप उससे मेकअप कर सकते हैं। आपके पास अगर आईलाइनर नहीं भी है टीनेजर्स के पास, तो आप काजल से ही आईलाइनर भी लगा सकते हैं। सो मैं आईलाइनर थोड़ा सा थिक पसंद करती हूँ, तो मैं आज डबल लाइन आईलाइनर लगाने की सोच रही हूँ। तो मेरे पास दो ग्लिटर शेड में थे, एक ग्रीन था एक और गोल्डन था, मैं सोच रही थी कौन सा लगाऊँ, फिर मैंने लास्ट में ग्रीन ही चूज़ किया, तो मैं ग्रीन से लगा रही हूँ। सो मैं आज डबल लाइनर लगा रही हूँ, ये भी आजकल काफ़ी ट्रेंड में चला है, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई आउट करती हूँ। और थोड़ा इंडो वेस्टर्न टाइप का ड्रेस भी है,
मैंने ड्रेस नहीं दिखाया इसमें आपको, लेकिन मेरा जो ड्रेस है वो ऊपर का टॉप टाइप का है एंड नीचे जो है वो धोती है और उसी में मेरा दुपट्टा मीन्स जो साड़ी का पल्ला टाइप का होता है उस टाइप का अटैच्ड है। तो वो धोती पैंट और टॉप के साथ वो साड़ी का पल्लू है जिससे वो इंडो वेस्टर्न टाइप का बड़ा ही कूल सा लुक देता है। तो अब मैंने मशरूम हेड कुशन सीसी क्रीम लगाना स्टार्ट किया है। तो मैं ये सीसी क्रीम से आज मेकअप कर रही हूँ और इसको लगाने के वजह से मतलब फाउंडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है और फेस पे अगेन कंसीलर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये स्वेट प्रूफ मेकअप है, आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि आपका फेस बहुत ज़्यादा वाइट हो रहा है बट एक्चुअली जब प्रॉपरली ब्लेंड हो जाएगा ना तो ये इतना ज़्यादा वाइट केकी टाइप का नहीं लगेगा। तो मैं इस वाले ब्लेंडर से स्लाइटली अनकंफर्टेबल थी, एक्चुअली मुझे आदत हो गई मेरे ब्यूटी ब्लेंडर से करने की। तो ये वाला जो है बहुत ही सॉफ्ट है बट मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था, मुझे इसी से आदत है, मुझे यही वाला अच्छा लगता है। मैं 2-3 नए खरीद के लाई बट मुझे वो इतना नहीं पसंद आया, मुझे यही वाला अच्छा लगता है तो मैं इसी से फिर कर रही हूँ। और उसमें काफ़ी सारा सीसी क्रीम लगा हुआ, तो जहाँ जहाँ मुझे कम लग रहा है वो वहाँ मैं डैप करके कर ली। ये देखिए मैं प्रॉपर पूरा जब ब्लेंड कर ली हूँ तो ये इतना ख़राब नहीं लग रहा, वाइट वाइट सा स्किन नहीं लग रहा। और उसके बाद मैंने हल्का सा कंसीलर बहुत ही लाइट सा लगाया क्योंकि सिंस मेरा चबी स्किन है तो मुझे लगाना पड़ता है। अगर आपके पास नहीं है कंसीलर या आपका चबी नहीं है या आप आई शेडो पैलेट से ऑप्ट करके लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको पैक कर रही हूँ। ये सीसी क्रीम ऐसा है जिसको कॉम्पैक्ट पाउडर से पैक करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं किया था। अब मैं ब्लू हेवन का ब्लशर ले रही हूँ और हल्का सा ब्लशर लगाऊंगी। तो नाइट का मेकअप है और हम लोग गरबा का मेकअप कर रहे हैं तो गरबा करेंगे तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने स्वेट प्रूफ मेकअप किया है। तो आई होप कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और उसके बाद मैं ये मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर ले रही हूँ और हाइलाइटर वाले पॉइंट्स पे जितने भी हाई पॉइंट्स है ब्रो बोन और नोज़ एरिया जो है क्यूपिड ऑफ द नोज़ और ये सारे जगह पे हम लोग जो भी हाईएस्ट पॉइंट्स है सब जगह हम लोग लगाएंगे। और हाइलाइटर तो भर भर के लगाइए, जितना शाइन करेंगे उतना अच्छा लगता है। पार्टी मेकअप में या स्पेशली नाइट वाले मेकअप में तो बहुत मस्त लगता है। तो मैं हल्का हल्का सा नेक एरिया पे भी लगाई हूँ। उसके बाद ग्लैम 21 के मेकअप फिक्सर से मैं फिक्स कर लूँगी और ब्यूटी ब्लेंडर से उसको थोड़ा सा डैप डैप करके अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। फिर मैं नेकेड का ले रही हूँ, ये हॉट पिंक शेड है लिपस्टिक का, ये मैं लगा रही हूँ, लिक्विड लिपस्टिक है, इसका शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये पिंकिश पर्पल टाइप का शेड है बट ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, स्लाइटली मेरा बाहर निकल गया था। तो ये वाला शेड है बहुत मस्त है ये शेड, तो मैंने ये शेड लगाया है। उसके बाद मैंने मैक का मस्कारा लिया है और मैं मस्कारा लगा रही हूँ। तो ये मस्कारा भी मुझे काफ़ी पसंद है, काफ़ी 3D कर्ल टाइप का देता है, इसके बाद फॉल्स लैशेज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे भी मैं जितने भी पार्टी मेकअप्स करती हूँ कहीं पार्टी फंक्शन कहीं भी जाती हूँ तो मैं फॉल्स लैशेज बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ मस्कारा लगा के अगर काम हो जाता है तो क्यों फॉल्स लैशेज लगाना, ऑब्वियसली फॉल्स लैशेज से काफ़ी अच्छा लुक आता है बट मैं नहीं लगाना चाहती हूँ जल्दी। तो अब मैं कुछ कुछ सामान मेरे गिर जा रहे थे तो मैं जल्दी जल्दी जो कर रही थी काम तो मेरे थोड़ा सामान गिर जा रहे थे। तो मैं फिर एक SRF के पैलेट से और ये हिलरी रोडा के पैलेट से मिक्स करके मैं वही शेड ले रही हूँ जो मैंने ऊपर अपने आईलेट पर ऑप्ट किया, मैंने ग्रीन और ब्राउन का जो मिक्सचर है तो मैं इनर कॉर्नर के साइड से ग्रीन और आउटर कॉर्नर साइड से ब्राउन शेड लेके नीचे का मैं थोड़ा सा वो हल्का हल्का सा उसको कंप्लीट करूँगी अपना आई लुक और ये ऐसे मेरा आई लुक कंप्लीट होता है। तो अब मैं कुमकुम से ये बना रही हूँ, आप आईलाइनर से काजल से जिससे भी आपको सही लगे आप बना सकते हैं। मेरे पास लिक्विड कुमकुम था ब्लैक कलर का तो मैं उसी से बना रही हूँ और मैं बिंदी भी उसी से बनाऊँगी। तो मैं इसमें ग्रीन लाइनर लेके भी थोड़ा सा उससे आप बाउंड्री बना रहे, इससे काफ़ी शाइनी बिंदी बनेगी। तो मैं उसमें एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मैं मोस्टली लिक्विड बिंदी से एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ। तो मैं ज्वेलरी वगैरह पहन ली हूँ और मेरा ये लुक कंप्लीट हो गया है। तो
तो मैंने काफ़ी हैवी सा मांग टीका भी इसमें पहन लिया है, जो कि गर्ल्स पे आजकल काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने हैवी सी ज्वेलरी पहनी क्योंकि मेरे ड्रेस बिल्कुल सिंपल है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा मेकअप लुक, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इस टाइप के और मेकअप लुक देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे बताइएगा। मैं जल्दी ही एक दुर्गा पूजा का लुक भी करने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करिएगा। टिल देन बाय बाय।